तो देखिए, हमने केस स्टडी देखी दो कंट्रीज़ की जो आपके सामने थी, यू नो, वन वॉज श्रीलंका एंड द अदर वॉज बेल्जियम। और एक बहुत सिंपल से तो हमें बात क्या समझ में आ गई कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। अगेन, जब देखिए, जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है तो वो कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के काफ़ी ईयर्स पीछे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अंडरस्टैंड, बेल्जियम में बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं हुई एंड बेल्जियम की ग्रोथ चलती रही। तो इस बात से एक कंक्लूज़न तो सिंपली हमें समझ में आ जाता है, और वो ये है दैट यू नो पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल फॉर अ कम्युनिटी, एंड व्हेन इट्स बेनिफिशियल फॉर अ कम्युनिटी एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री एज वेल। ओके, अब एक सिंपल बात क्या है दैट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर शेयरिंग देन इन द चैप्टर इट सेज दैट यू हैव गॉट टू पर्टिकुलर रीजंस। And one, it says that there's a prudential reasons behind power sharing, okay? And then we talk about there are moral reasons that why one should be sharing power. Kya fayde hote hain? Well, pehle to, you know, it might be a rather new word for students, prudential. Prudential, you know, it basically means showing concern. Simply ek, यू नो नॉन हिटलरशिप वाली कंट्री में, यू कैन सिंपली से दैट इन अ रादर डेमोक्रेटिक कंट्री, पावर शेयरिंग बेसिकली शोज दैट यू नो यू आर कंसर्न फॉर द पीपल अराउंड यू एज वेल। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड देन वी विल डिस्कस द मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। सी दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग देन देखिए, समाज में अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, रिड्यूसेस conflicts between social groups. श्रीलंका में हमने देखा कि बच्चे मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था, एक ही समाज सिन्हाला जो था वो ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था, शेयरिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो तमिल ग्रुप्स में और सिन्हाला ग्रुप्स में लड़ाई हुई, तो अगर पावर शेयरिंग होगी तो देर वुड बी लेसर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अदर देन दैट, यू नो, power sharing is important to maintain social harmony and peace. Social harmony is simple. आपसे भाईचारा बना रहे, लड़ाई वड़ाई ना हो. Then, in order to stop majority tyranny. Okay, you know, you guys playing PUBG, so I guess you know that tyrant is not always good. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप मेजॉरिटी टायरेनी, मेजॉरिटी की एक तरीके से वो बुली ना करे माइनॉरिटी को, उस चीज़ को रोकने के लिए भी पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर थ्री रीजन्स एज यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉरल रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग देन यू नीड टू सी दिस मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। वन बिग रीजन इज देयर दैट पावर शेयरिंग इज इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। It's not moral for a country to not share power amongst its groups. So it's in the spirit of democracy. This is the moral reason. Understand? Well, moving on. I guess it's a very important question in the NCRT as well. You know, where they talk about the types of power sharing. So we'll go there. Let's talk about the types of power sharing jo aaj hume ek modern nation mein dekhne ko mil jati hai. Number one, here we will talk about horizontal power sharing. Dekhiye, horizontal power sharing ek simple line samajh mein aati hai, very straight line like this. Understand? 1, 2, 3, this is horizontal power sharing. Iske baad hum padhenge vertical power sharing. अंडरस्टैंड, वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे होगी, लाइक दिस। अंडरस्टैंड, देन वी विल डिस्कस पावर शेयरिंग अमंगस्ट सोशल ग्रुप्स। लेटर
final point, power sharing and political parties. Okay, see this now. Well, moving back, focus over here. When we talk about horizontal power sharing, so horizontal power sharing, may if you remember the terms, legislature, executive and judiciary, these three are important, and I'll write it over here. Legislature, executive and judiciary, tino ke paas powers hain aur koi bhi ek dusre ko overpower nahi kar sakta. All of them will keep check on the other. Understand? This is meant by horizontal power sharing. Okay? Dekhiye, bahut simple si baat hai. Legislature ka kaam, legislature mein if we talk about the parliament, it makes the laws. Kanoon wahan bana diya gaya hai. Ab kya hoga? Ki when you talk about that, judiciary and executive. Executive ke kaam kya hota hai, bachche? Planning ka. And it also checks ki jo rule hai, wo apply ho raha hai, ya wo ek general tarike se country mein follow kiya ja raha hai, ya nahi kiya ja raha hai. Executive ka kaam hota hai planning ka, direction ka, aur ek coordinate karke chalte hain legislature ke saath. Understand, judiciary ka aapko kaam pata hai, you know, there's a system of courts, and you know, ek ye mechanism allow karta hai, samaj mein, society mein disputes ko solve karne ka. Okay? So it also talks about justice. Understand? Agar koi follow nahi karega, to usko kaise judge karna hai? Ye judiciary dekhegi. Legislative, executive, judiciary. Ye tino hi ek dusre par check rakhte hain. Koi bhi ek dusre ko overpower nahi kar sakta. Understand? Then we talk about vertical power sharing. Vertical power sharing kaise hai? जैसे आपकी पूरी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई. अंडरस्टैंड, इन दीज डेज इट्स द मोदी गवर्नमेंट. उसके बाद स्टेट में आपके पास स्टेट गवर्नमेंट हो गई. उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट है, दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट है. यू नो, जस्ट टेलिंग यू द नेम ऑफ योर सीएम्स. अदर देन दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इसके अंडर रीजनल लेवल्स पर भी गवर्नमेंट्स होती हैं. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आपको क्या समझने की ज़रूरत है, कि देर आर लोकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स. ये लोकल गवर्नमेंट पंचायत की फॉर्म में आपको विलेजेस में मिलेंगी. अंडरस्टैंड? ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं आपको, यू नो, अगर आपको एक एग्जांपल बताया जाए, तो आपने रिसेंटली सुना है एमसीडी इलेक्शंस. हाँ जी. सो दैट्स अ लोकल बॉडी. ओके? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को नहीं चला सकती. वी हैव अ बिग कंट्री. अगेन, स्टेट के पास भी पूरे स्टेट चलाने के लिए इट नीड्स मोर रिसोर्सेज और मोर प्लानिंग. तो उस केस में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की हेल्प ली जाती है. जैसे कि विलेजेस में मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक पंचायत का, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लोकल गवर्नमेंट. देन वी हैव गॉट, यू नो, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एज वेल. ओके? सो दिस इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. शहरों में पंचायत वाले डिस्कशन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मेयर वगैरह की गवर्नमेंट चलती है. तो दैट्स अ लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. विलेजेस में ग्राम पंचायत, आई गेस यू नो दैट. देन वी टॉक अबाउट पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स. See, when we talk about social groups, so, you know, we need to understand that precisely about India, it's a multi-ethnic society. Ek se zyada culture ke log, ek se zyada language bolne wale log aapko India mein exist karte huye milenge. Understand? Ethnic word agar aapko samajh mein na aaya ho, to I'll just clear this again. Ethnic ka matlab kya hota hai? एथनिक का मतलब ये हो गया, एथनिक का बोला जाता है कि भाई ये एथनिक ग्रुप्स हैं, कि ये 10 लोग इस एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक एथनिक ग्रुप के लोग एक ही रिलीजन के हों या एक ही नेशन के हों. अंडरस्टैंड? बट इफ़ दे शेयर अ कॉमन कल्चर,
irrespective of their nationality or religion, okay, and they share a common descent. Okay, it means ki somewhere their roots are same. When they talk about culture as well, to kahin na kahin us cheez ko aap ek common ethnic group maan sakte ho. And in this case, we have got multi-ethnic society in India. So, aise cases mein, you know, social groups mein, jaise language ke basis par division ho jata hai. So, India mein agar main aapko example doon, to ek reservation ka aapko pata hai, that hamare paas OBCs, SCs, STs, in logo ke paas, certain cases mein, inki paas powers hai, more than the general people. Okay, so that's one example of power sharing amongst social groups. Other than that, when you talk about power sharing in political parties, see this. And when you talk about power sharing in political parties, to aapko bahut simply pata hai ki coalition governments kya hua ki do se zyada ek party ke paas power nahi thi kisi state mein government form karne ki, to usne kisi dusri party se haath mila liye. चलो भाई हम आपके साथ मिलके गवर्नमेंट बना देते हैं. सो एन एग्जांपल फॉर पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज वुड बी अ कोलिशन गवर्नमेंट. और अगर पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स वापस आए तो बेल्जियम की केस स्टडी अभी हमने पढ़ी है और वहां पे हमने देखा है दैट देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट एज वेल. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज एन एग्जांपल फॉर power sharing amongst social groups. Understand? So that's all in the chapter. This was a rather small chapter. I hope it's all clear to you. And ek bar aur revision agar hum dekhe, to types of power sharing humne baat kari, horizontal power sharing in forms of legislature, executive, judiciary, vertical power sharing, different levels of government, like, you know, you can call it a federal government as well. I'll just write it over there. इसमें अलग-अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है और उनके पास अपनी-अपनी पावर्स होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स हैं. उसके बाद वी टॉक अबाउट पावर शेयरिंग अमंगस्ट सोशल ग्रुप्स. जैसे एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है इंडिया में, दैट्स वन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग शेयरिंग अमंगस्ट सोशल ग्रुप्स. देन पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल एज वी कैन सी हियर कि देयर आर प्रेशर ग्रुप्स, देयर आर मूवमेंट्स. अंडरस्टैंड, एक सर्टेन आईडिया पर दो या तीन पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती हैं एक दूसरे का. सो दैट इज पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज. वन एग्जांपल वाज कोलिशन गवर्नमेंट. आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू नाउ.